Hi guys, मैं आकाश एंड यू वॉचिंग माई चैनल आर्ट एंड कुकिंग लाइफ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चाप डीप फ्राई कैसे बनाते हैं। तो अब चाप डीप फ्राई बनाने के लिए क्या क्या रेसिपी लगेंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले चाहिए हमें नमक, सॉल्ट, हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, पीछे हमें गरम मसाला, हमें चाहिए कर्ड, दही, हमें चाहिए मैदा और प्रेजेंटेशन के लिए हमें चाहिए दिस एंड सॉस, ग्रीन चिली सॉस एंड मेन इज चाप। तो लेट्स स्टार्ट। गैस चलाएंगे हम, फिर एक फ्राई पैन लेंगे हम, रखेंगे गर्म होने देंगे, फिर उसके बाद इसमें हम 250 ml ऑयल डालेंगे। आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज करते हैं, आपके टेस्ट वैसा ही आएगा। तो हम रिफाइंड ही इसे गर्म होने देंगे, फिर इसके बाद जो हम करेंगे हमें चाहिए जो चाप को मिक्सर बनाएंगे, हम पहले एक बाउल लेंगे, इसमें हमने जो चाप ली थी पहले ये चाप डालेंगे इसमें। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 tablespoon सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 tablespoon गरम मसाला, 1/2 tablespoon में हम जो हमने कर्ड लिया था हम फुल कर्ड लेंगे, 200 ग्राम कर्ड लेंगे, इसमें डाल देंगे। फिर हम इसे मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिलाना है ताकि जो आपका मसाला है और जो दही है वो पूरा मिक्स हो जाए चाप के अंदर। हम इसे मिक्स करेंगे, इसमें डाल के ये कोटेड हो जाए, जैसे कोट करना है पूरा चाप को मैदे से क्लियरली। क्लियरली कोट करना है, ऐसे हम सारे सबको डाल लेंगे, सारी चापों को डाल लेंगे, ऐसे हम सारी चापों को मैरिनेट कर लेंगे विद मैदा। तो इससे जो होएगा ना, जो हमारा जो मसाला है वो एक तरह का ब्लॉट हो जाएगा, मैदे से ब्लॉट हो जाएगा, तो इससे जो उसका फ्लेवर है हम इसे भी ऐसे मैरिनेट कर लेंगे मैदे के साथ अच्छे से। और इस बात का ध्यान रखें, जब आप मैरिनेट कर रहे हो तो उसमें ये ध्यान रखें पूरी चाप में अच्छे से मैरिनेट हो जाना चाहिए। मैरिनेट मतलब आप मैदे को कोटेड कर दो चाप को। तो फिर हम फिर लेंगे, ऐसी हम पूरी चापों को इससे मैरिनेट कर लेंगे मैदे से, मैरिनेट कर चुके हैं। और फिर इसके बाद हम इन चापों को इस जो हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा था वो ऑयल गर्म हो गया, फिर हम इसमें डाल देंगे और आराम से डाल लें, थोड़ा सेफली, आपका हाथ जल भी सकता है तेल से। Ooh.
जितने भी हमने चाप मैरिनेट किए हैं पीस सारे इसमें डाल देंगे। हमने सारी चापों को डाल लिया है इसमें। फिर अब हम इसके बाद इसे चलाएंगे और एक बात का ध्यान रखें, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए जब ही डालें, नहीं तो ये चिपक जाएगा नीचे। तो इसे हम चलाएंगे। इसे हम फुल पे कर देंगे, थोड़ी गैस बढ़ा देंगे हम। ऐसे हम चलाते रहेंगे। ऐसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। फिर आपका ये जो है परफेक्ट फ्राई हो जाएगा, आपका 5 to 10 मिनट में ये आपका बनके तैयार हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखें, जब आप बना रहे हो इसे टाइम टू टाइम चलाते रहे। आप देख सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखें, बीच में चलाने की बहुत जरूरत है इसमें, ताकि ये चिपके ना। अगर ये चिपक जाता है तो आपका जो है टेस्ट, जो स्ट्रक्चर है ना, जो चाप का डीप फ्राई का, वो टेस्ट नहीं आ रहा। डीप फ्राई इसलिए बोलते क्योंकि उसमें टाइम लगता है और डीप में होता है, डीप फ्राई होता है इसलिए। तो एक बार मैं इधर देखेंगे, इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये बीच बीच में जो पार्ट है ये चिपके ना एक दूसरे से। आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट चिपक नहीं रहा है इसमें, देख सकते हैं। इसे चलाते रहेंगे। जब तक ये चाप फ्राई हो रही है मैं आपको इसके कुछ बारे में बताना चाहूंगा। चाप का फर्स्ट जो पहली डिश बनी थी 1945 में, इसकी फर्स्ट डिश बनी थी राजस्थान में। चाप से ना तंदूरी चाप बनाया था, वो पहली डिश थी जो चाप की डिस्कवर हुई थी 1945 में। और चाप का टेस्ट अलग है। ये हमें ना स्ट्रक्चर खाने में, टेस्ट करने में ऐसा लगेगा कि हम चिकन खा रहे हैं, पर ये नॉन वेज होता है, हमें लगता है कि ये नॉन वेज है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे, चलाते रहेंगे। चल रहा और ये ब्राउन होने जा रहा है, अभी लाइट ब्राउन हो गया। इसे हल्की सी हम एक से दो मिनट और फ्राई होने देंगे। इसे टोटल हमें इसे फ्राई करने में लगेंगे 5 to 10 मिनट लगेंगे। इसे हम फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा टेक्सचर आने लग गया है, रेड ब्राउन होने लग गया, लाइट ब्राउन हो गया है। इसे थोड़ी देर और हम छोड़ेंगे। इसे ब्राउन होने देंगे, पकने देंगे। और आप एक चीज दोबारा मैं बताना चाहूंगा, ये भी पीस देखिए आप चिपक नहीं रहा इसमें एक दूसरे में, ये बहुत अच्छी। इसका मेन रीजन ये है कि ना आपका ना जो तेल है ना वो ज्यादा गर्म होना चाहिए। आपका तेल ज्यादा गर्म नहीं होता है तो वो चिपक जाएगा आपस में, और नीचे भी आपके फ्राई पैन में भी चिपक सकता है। देख सकते हैं आप अच्छे से, और ये देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया है। इसका मतलब ब्राउन हो गया, ये आपका पक गया है, अच्छे से बन चुका है ये आपका। तो हम गैस को बंद कर देंगे। इसे 30 to 25 मिनट के लिए सेटिंग के लिए हम इसे रेस्ट दे देंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे एक बाउल लेंगे, फिर हम इसके आपको इसमें निकाल लेंगे। एक बात का और ध्यान रखें, जो ऑयल है पूरा सोख लेना चाहिए, पूरा अंदर चलेगा अच्छे से। हमारा जो फ्राई हुआ है चाप हमने इसमें निकाल लिया। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। लेंगे प्लेट, ऐसे हम सारे निकाल लेंगे।
प्लेट लेंगे, प्लेट लेंगे, प्रेजेंटेशन ऐसी होगी आप देखने में देख रहे कितना अच्छा। मेनली ना आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। Thanks for my watching video. Please share, subscribe and like and just eat. Bye friends.